अगर आप भी लहसुन और प्याज के छिलके को कचरा समझकर फेंक देते हैं तब आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस होममेड रेमेडी को देखने के बाद आप कभी भी प्याज और लहसुन के छिलके को फेंकेंगे नहीं और हमेशा यही तरीका फॉलो करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़े से लहसुन और प्याज के छिलके लिए हैं और साथ ही लिए हैं मैंने यहाँ पर मिर्ची के डंठल। ये सभी हमारे घर में कचरे के तौर पर फेंक दिए जाते हैं, तो आज हम इससे बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी बनाने वाले हैं। हमारी रेमेडी ज़्यादा हेल्दी रहे इसके लिए हम यहाँ पर 8 से 10 लहसुन, 2 से 3 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट करेंगे और इसे हल्का सा कूट लेंगे। इसे छील कर कूटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से हल्का दरदरा कूट कर तैयार कर लें। अच्छे से कूटने के बाद इन सभी चीज़ों को भी हम उसी लहसुन प्याज और हरी मिर्च के डंठल के छिक्कल में मिक्स कर देंगे। अभी हम इसे अच्छे से बॉईल करेंगे, तो इसे उबालने के लिए यहाँ मैंने लगभग 1 लीटर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। इस गर्म पानी के अंदर हम लहसुन प्याज और हरी मिर्च के जो डंठल हैं इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे मीडियम आंच पर कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से उबाल आने देंगे। इस तरीके से पानी में उबलने से इस लहसुन प्याज और हरी मिर्च के डंठल में जितना भी अर्क होगा वो इसके अंदर आ जाएगा और ये जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बस अच्छे से उबलने देंगे। तो इसे उबलते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो बस अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक बार छान लेंगे। छानने के बाद ये जितना भी वेस्ट है ऊपर छन्नी में इसे हम फेंक देंगे, इसका यूज़ हमें नहीं करना है। और ये जो नीचे पानी बचा है इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद इसे किसी भी स्प्रे बोतल में डाल लेंगे। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप किसी नॉर्मल बोतल में इसे डाल सकते हैं। आप इसे थोड़ी लार्ज क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। मैं हमेशा इसका यूज़ अपने किचन की स्लैब वगैरह को क्लीन करने में करती हूँ। तो बस इस तरीके से हमारी स्प्रे बोतल तैयार है। अब आप इससे अपनी किचन की स्लैब क्लीन कर सकते हैं। इससे आपकी जो किचन की स्लैब है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन होगी, साथ ही कॉकरोचेज नहीं आएंगे और जितने भी डस्ट होगी या फिर छोटे मोटे कीटाणु होंगे वो नहीं रहेंगे। तो जब भी आप खाना बनाएं एक बार लास्ट में इससे अपनी किचन के स्लैब को ज़रूर क्लीन करें। अगर घर में प्लांट हैं और प्लांट के ऊपर कीड़े लग गए हैं तब भी ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप स्प्रे बोतल को पानी के ऊपर हल्का सा स्प्रे करें जिससे प्लांट के ऊपर जितने भी कीड़े होंगे वो नहीं रहेंगे। अगर प्लांट की जड़ में भी अगर कीड़े लग गए हैं तब भी आप इसे हल्का सा स्प्रे कर सकती हैं, इससे प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो आप भी इस होममेड रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का नुस्खा आपको कैसा लगा। तो एक बार फिर से मिलेंगे हम एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।